आज 12 तारीख है, 12 तारीख को थोड़ी देर पहले देखिए ग्लूकोज अभी तक टंगा हुआ था और वो बच्चियाँ मर गई ग्लूकोज चलते चलते। एक बोतल ग्लूकोज 4 मिनट में चढ़ाया गया, इसको क्लैप्स कर गया हार्ट इसका। इतने दिन से कितना मरे जरे परेशान हुए हैं कि शायद जान बच जाए, कितना पैसा फूका इसके ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ भैया प्राइवेट इलाज अब कराओ, बस ये छोड़ो सरकारी अस्पताल का मत्था, प्राइवेट प्राइवेट कराओ जिसके पास दम हो। और सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए कि और होम्योपैथी की ज़्यादा से ज़्यादा दवा करो। बताइए पेट में कीड़ा था, कल कुछ खा रही पी रही थी और मैंने कहा कि ना हाँ नीम का तेल पिला दो, और नीम का तेल पिलाया, वो हालत तो उसके ख़राब होती गई। फिर आज गए कि भैया चलो ग्लूकोज चल जाए, उसमें कौन कौन बढ़िया बढ़िया दवा लिखवाए। और उसके बाद में वो 5 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट में बैठी न घूम पाई। हाँ तो हुआ घुमा के दे आओ। हाँ अरे बेचारे उनके राधे बाबू चांदवानी के ड्राइवर मिले, बड़ी बेटी के ड्राइवर जो हैं राधे जी, उनका कहना है कि साहब अगर वो एक तो जाएंगे तो उनको हम छूने न पाए। तो हमने कहा भैया अकेले हम नदी में कैसे ला देंगे, क्या करेंगे। तो तब तक हनुमान जी ने इनको भेज दिया, भुवन सिंह को फ़ोन मिलाया, उनका तो आज तक फ़ोन कभी मिले नहीं। नहीं उनका अगर बड़ी बेटी का ड्राइवर आता तो अकेले इसको हमको लाद करके नदी के किनारे हमको डालना पड़ता, वहाँ पर गड्ढे उड्ढे खोद करके उसमें दफना देंगे हम। तो गाड़ी बैक करके ये ले आएंगे, क्योंकि वहाँ नगर पालिका का वो पुल जो सफाई नाले की सफाई में उसके ऊपर के पत्थर को ऊंचा कर दिया गया है, अब उसी में गाड़ी जो है वो ठोकर ले रहा है उसी के अंदर। देखो साइड मुड़ जाए तो मुड़ जाए, ये कार भी कितनी देखिए बाउंड्रीज कितनी अलग हट के गाड़ी खड़ी रहती है। मैंने कई बार कहा है कि अरे भाई उधर वाला किनारे खड़ी कर लो, पेड़ ससरा बेकार है वो, उसके अंदर कोई फल का पेड़ लग जाएगा। ठीक चलिए मैं रवाना हो रहा हूँ, आगे का हाल मैं फिर इसको खोल देता। हाँ ये उनका नाम भी राधे श्याम है, घन श्याम, और हम हैं श्याम। तो बेचारे मिल गए, हमने कहा चलो बेटा तुमको आज ये पुण्य बधा था। हाँ हाँ ये रोज चना ला के बंदर के लिए देते हैं, तो अब नाती आया विद्युत ने कहा चलो उसके लिए तो अच्छा हुआ, थोड़ा तो हारन दे दो, खड़े हैं लोग तो नहीं समझ में आएगा। हाँ खड़े हैं फैशन में। ए भैया जरा किनारे हो जाओ, थोड़ा भैया थोड़ा सा आगे हो जाए। हाँ आइए आइए चलो। हाँ आओ चलो। हाँ 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 बाबा बाबा इसको लाद करके पुराने पुल से पुराने पुल पर चलना है तो इधर से सीधा चली हो। अच्छा आगे रास्ता है। वो ब्रेक का है नीचे दबा है। अच्छा बाबा हर गाड़ी का अलग अलग सेट होगा ना। हाँ यहाँ 2-4 किलोमीटर चलाई जहाँ हुआ। हाँ हाँ चलो इधर ही निकल चलो, इधर भीड़ बहुत है क्या है। चलो धीरे धीरे कौन बहुत ज्यादा दूर जाएगा, रुक नहीं सकती है डिग्री का जो चौराहा है, कोई रुक जाए रुक नहीं सकती। रुक जाओ। हाँ चलो यहाँ गिट्टी डाले पड़े हैं, बताएं मुसीबत में मुसीबत। अब ये बरसात में कितने लोग चोट खाई हैं, वो बछिया खत्म हो गई। चलो चलो चलो, चलो।
अच्छी खासी सब जानवर खाते पीते हैं, होने के बाद वो कीड़े के चक्कर में हाँ बाबा पिला दे, बाबा पिला दे नीम का तेल जत्ता बताइन, और वही के बाद लबे जान, अब लबे जान वही के बाद गुलकोट भी तो हवा जा रहा है, जो एकदम लबे जान जानवर है वो चार पाँच मिनट में गुलकोट चढ़ रहा है। अब कान पकड़ा, हम कहा जानवर मर भले जाए लेकिन अब सरकारी अस्पताल न जाए ना, प्राइवेट इलाज हो जाए। ये जनते है का कहीं हम जनता का जनता मांग करे कहीं साहब ये प्राइवेट लोग इलाज करावे, जिनके जानवर हों वो सब चिन्हित किए जाएं सरकारी अस्पताल में। बाप रे बाप, वो लापरवाही वो लापरवाही। ये तो कहो अकेले हमको लादना पड़ता, वो अगर ड्राइवर आए होती तो अकेले हमका मरे पड़त सब। लौटानी में चाहे उधर जेल वाले रोड से आ जाए, हाँ ये सड़क, अरे अब जब सड़क बन गई है तो साफ कर दो, जितनी दूर बन गई है उतनी दूर तो चालू हो जाए, नहीं पड़ा है गिट्टी मिट्टी पद गए बरसात में कौन कौन मुसीबत उठाना पड़ी है, जब बरसात में काम लगा है नाला बन रहा, अरे उधर सफाई हो जाए तो ये काहे इतनी दिक्कत उठाना पड़े, हर जगह लापरवाही लापरवाही। अरे भाई मलबा रखा है, मलबा हट जाए खाली हो जाए तो लोगों के आना जाना शुरू हो जाए। अभी यहाँ वाला नाला रुके पड़ा, पता नहीं काहे लिए रुका है, एक तो ऐसे सकरी सड़क अब एक बार दो बार जब चला रहे हो देखिए आदत बन जाएगी। अब जब गाड़ी प्रेशर है, हाँ। सादी गाड़ी है, हाँ। तो कौनो दिन थोड़ा भावलेश्वर जो है सवेरे के टाइम राधे बाबू से कह देवे, अरे साहब आपका सबाई एक महीने में एक बार दो बार तो भेज दिया करो सवेरे के टाइम, और खूब सवेरे आ जाओ हमरे यहाँ, अब बस चल गई हमारे से लौट के आओ अपन ड्यूटी करो, और यहाँ जल्दी छुट्टी मिल जाए तुमका तो घर चले जाओ तुम्हारे घर, हाँ हाँ सीधा। कम से कम तुमका मिल गया तो सहारा हुई गवा, नहीं तो अकेले छोड़ कोई एन मौके पर नहीं, ना भुवन सिंह ना कोई सिंह ना कोई कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं अकेला आदमी सब ऐसे मौके पर, भाई ऐसे बड़ा पुण्य काम हो ही नहीं सकता। हम नहीं तो अकेले नहीं कि तुमसे अकेले में कही, हम YouTube पर रखे थे इसका कि हमें दुनिया वालों जवाब दो, गाय हमारी माता है, माता माता काटी जा रही थी हैं, माता को कटवा रहे थे, कटवाने वाली सरकार को वोट दे रहे थे, अरे भाई जानवर परेशान है तो किसान को आंदोलन करना चाहिए, सरकार से मांग भी करे के साथ जाली बनवाओ और लोगों का कम से कम पैसे में जाली दिलवाओ, अरे गौ माता न रही है तो कुछ न हुई, उन्हीं से गोबर है उन्हीं से सब कुछ हुई था। देखो जगह जगह मंदिर, जगह जगह मंदिर, लाउड स्पीकर ले फलाना ले ढमा दे जगह सब कुछ है, लेकिन ना गाय के नाम से मतलब। अब हम लोग सही नदी आ गए, वहीं पर किनारे इनको गड्ढा उड्ढा खोज करके अपना देंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
Thank you.